इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि सबसे पहले फोल्डर और फाइल, ये जो दो नाम सुना जाता है कंप्यूटर की दुनिया में, वो क्या है और इसका क्या प्रयोग है, इसको कैसे हम बनाते हैं। ठीक है साथियों, तो जैसे मान लिया जो भी बिगिनर हैं, पहली बार कंप्यूटर सीख रहे हैं, वो यहाँ पर ये जो मेरा ये कर्सर है, ये एरो जो दिखाई दे रहा है, इसको ध्यान दीजिए, मैं माउस से हिला रहा हूँ। ठीक है, कहीं भी मैं खाली स्थान में अगर राइट क्लिक करूँगा, माउस के बारे में जो मैं आपको पहले बताया हूँ, लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक क्या है, तो उसमें आप लोग देखे होंगे, तो वही मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए, मैं न्यू में जा रहा हूँ और यहाँ पर फोल्डर बनाइए। जैसे आप फोल्डर पर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से एक न्यू फोल्डर का नाम आ जाएगा, इसका सिलेक्शन ब्लू में रहेगा, इसका मतलब इसको आप नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे आपका नाम मान लिया है रहीम, तो RAHRAHIM रहीम आप लिख सकते हैं। रमेश, आपको जो लिखना है आप वहाँ लिख दीजिए और आप बाहर में क्लिक कर दीजिए। मैं इसलिए क्लिक करके बता रहा हूँ कि आप अभी माउस का ज़्यादा हेल्प लीजिए। जब मैं कीबोर्ड पे आऊँगा तो बताऊँगा कि आप इंटर भी कोई मार सकते हैं तो भी ये काम हो जाएगा। आप क्लिक कीजिए बाहर में, तो देखिए रमेश बोल करके आपका एक कमरा बन गया। अब हम क्या करेंगे, ये एक मेरे लिए एक कमरा है जो रमेश का है। अब अगर रमेश चाहेगा अपना कंप्यूटर में, तो इसको डबल क्लिक करके खोलेगा, या अपना कोई भी चीज़, अपना फोटो, अपना कोई भी सामान, गाना, वीडियो, कोई फाइल वर्ड का इसमें रख सकेगा। ठीक है, जैसे मान लिया अगर मैं इसको डबल क्लिक करके खोलूं, ये देखिए डबल क्लिक किया तो ये रमेश कमरा खुल गया, पूरा खाली है। ये जो पोर्शन दिखा रहा है यही कमरा है और यहाँ लिखा हुआ है दिस फोल्डर इज एम्प्टी, एम्प्टी माने खाली है। अभी ये बाएं तरफ जो ये आपको दिखाई देता है, ये क्या है, ये है कि ये जो रमेश का कमरा है, यहाँ पर रमेश लिखा हुआ है, ये रमेश का कमरा है। अगर इस कमरे में से मैं दूसरे कोई कमरे में जाना चाहता हूँ या मेन बिल्डिंग में जाना चाहता हूँ, तो बाएं तरफ का ये पैन है उसकी मदद करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये मेन बिल्डिंग द पीसी है, अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट क्लिक कर दूँगा तो रमेश के कमरे में से निकल करके मैं ये द पीसी में आ जाऊँगा। ठीक है, चलिए मैं एक बार क्लिक करके दिखाता हूँ द पीसी। देखिए यहाँ पर द पीसी हो गया और ये मेन बिल्डिंग खुल गया। ठीक है, अब अगर मैं चाहूँ फिर से जहाँ से आया था फिर उसी रमेश कमरे में कैसे ढुकूँ, तो यहाँ पर देखिए एक बैक बटन है, तो वहाँ देखिए लिख भी रहा है बैक टू रमेश। आप देखिए ध्यान से नीचे लिख रहा है बैक टू रमेश, यहाँ हम करेंगे बैक टू रमेश। ठीक है, तो यहाँ क्लिक कर दीजिए, हम फिर रमेश के कमरे में आ गए हैं। ठीक है साथियों, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक किसी का और कमरा खोल रहा हूँ और उस कमरे में से कुछ सामान इसमें ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये फोल्डर का कॉन्सेप्ट है जिसको हम कमरा बोल रहे हैं वो क्या है। तो मैं चलिए यहाँ पर नीचे आकर के भी जा सकता हूँ, जैसे मान लिया मैं यहाँ गया, ये पीछे आ गया है, तो इसको हम राइट वे से ड्रैग कर सकते, इसको ड्रैग करना बोलते हैं। ड्रैग कैसे होता है, माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखते हैं, यहाँ पर पहले माउस लाएं इसके यहाँ पर ऊपर में, यहाँ पर लेफ्ट जो माउस का बटन है उसको दबा के रखें, उसके बाद हम इसको कहीं भी ऐसे से करेंगे तो हम इधर उसको रख सकते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए हम करते हैं कि हम इस कमरे में से इस कमरे में निकालें या इस कमरे में से इस कमरे में निकालें तो हमको सुविधा होती है। ये रमेश का कमरा है, इसको राइट में भी रख सकते हैं, और ये जो दूसरा कमरा खुला है जिसका नाम डिफरेंस बिटवीन TH एंड TH यहाँ पर लिखा हुआ है वो है। चलिए मैं यहाँ पर कुछ ऐसा नाम वाला कमरा लाऊं जिससे आप परिचित हैं, जैसे यहाँ पर मैं
एक मेन बिल्डिंग में जाके एफ में जाता हूँ और यहाँ पर ये अख्तर पुल करके एक कमरा है, इसको डबल क्लिक करके खोल दिया हूँ। ठीक है, अब मैं ये जो राशन कार्ड है, बहुत सारा है, समी है, रिफत है, ये सब कमरे छोटे छोटे हैं, इस कमरों के अंदर छोटा छोटा फाइल है, इसके अंदर फिर कमरा है इंग्लिश, इसके अंदर फिर यहाँ पर ये देखिए, ये जो है इसको बोलते हैं फाइल, और ये क्या है, ये इमेज फाइल है। अब हम अगर चाहें इस इमेज फाइल को, यानी आप फाइल पे काम होता है, कमरे में रखा जाता है, फाइल पे काम होता है। अगर मैं चाहूँ इसको यहाँ लाऊँ रमेश के कमरे में, तो इसको ऐसे लेफ़्ट क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर दूँगा तो चला आएगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर देखिए, वो जो यहाँ का चीज़ जो था, द म्यूज़िक बुल करके एक नंबर फाइल था, वो मैं यहाँ ड्रैग करके लाया, लेकिन ये यहाँ भी है, यानी ये कॉपी हुआ, इसको बोलते हैं कॉपी। अब आप देख रहे हैं ये ऐसे दिख रहा है, ये ऐसे दिख रहा है, तो इसको आप ठीक कर सकते हैं दिखने को। यहाँ पर आप व्यू में जाएंगे और यहाँ पर स्मॉल में या लार्ज में क्लिक कर देंगे तो ये भी इस तरह दिखने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम जिसको भी ड्रैग करेंगे और यहाँ पर लाएंगे तो यहाँ चला जाएगा। ठीक, अब मान लिया इसको दूसरे ढंग से भी लाते हैं हम लोग, कॉपी पेस्ट जिसको बोलते हैं, आप ये भी टर्म सुन लीजिए कंप्यूटर में, कॉपी पेस्ट, यानी यहाँ से कॉपी करना है, राइट क्लिक करना है, यहाँ पर देखिए कॉपी लिखा हुआ, इस पर फिर लेफ़्ट क्लिक करके कॉपी करना है, फिर यहाँ पर पेस्ट करने के लिए राइट क्लिक पर क्लिक करना है और यहाँ पर पेस्ट पर क्लिक करना है, इसको ही बोलते हैं कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो ये जो हम राइट क्लिक करके कॉपी किए फिर पेस्ट किए, इसको आसान करने के लिए ये वाला ड्रैग सिस्टम है, वेरी इजी। ठीक है, ये नए कंप्यूटर में ये सब सिस्टम आ चुका है। तो ये मैं दिखाया, आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं उसी तरह से आप यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। अगर मैं इसको EX1 यहाँ पर फिर से मैं यहाँ बैक करके ड्रैग करूँ तो ये कहेगा ये जो फाइल है EX1 पहले से ही यहाँ पर है, तो आप क्या करना चाहते हैं, इसको हटाना चाहते हैं, इसको रिप्लेस करना चाहते हैं, क्या कर, मैं अभी देखिए पकड़ के रखा हूँ, अब मैं छोड़ रहा हूँ, देखिए तो ये क्या क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि द डेस्टिनेशन ऑलरेडी हैज ए फाइल नेम EX1। कहने का मतलब ये है, ये कह रहा है जहाँ पर डेस्टिनेशन में आप यहाँ पर कॉपी करके लाना चाह रहे हैं वहाँ पर पहले से ही एक EX1.jpg ये है। अब ये .jpeg का जो चक्कर है ये बाद में आपको बताऊँगा, चूँकि आप बिगिनर हैं इसलिए आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये सब बातें बताऊँगा मैं। तो यहाँ पर नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, इस पर किसी पर एक पर मैं क्लिक करूँगा, क्लिक माने माउस का लेफ़्ट क्लिक, तो वो चीज़ एक्शन हो जाएगा। अब साथियों, आपको कंप्यूटर में काम करने के लिए पढ़ना जानना पड़ेगा, वो भी अंग्रेजी पढ़ना जानना पड़ेगा। पहला लिखा हुआ है रिप्लेस द फाइल इन द डेस्टिनेशन, यानी यहाँ पर जो पहले फाइल था उसको रिप्लेस कर दीजिए इस फाइल से। फिर बोल रहा है स्किप दिस फाइल, इस फाइल को स्किप कर जाइए, यानी ये पहले जो फाइल था वो भी रहेगा और ये भी शायद वहाँ बन जाएगा। चलिए देखते हैं स्किप फाइल में क्या होता है, स्किप हो गया, यानी स्किप का मतलब हुआ यहाँ पर जो हम करना चाह रहे थे वो काम नहीं हुआ, स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए, नहीं कीजिए, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ये वाला चीज़ यहाँ पर है। ठीक है साथियों, तो इस तरह से हम फोल्डर के बारे में बताएं, कैसे अपना फोल्डर क्रिएट करना है, कैसे एक फोल्डर में दूसरा फोल्डर लाना है, यानी कमरे के अंदर कमरा बनाना है, और कैसे इसमें फाइल सेव करना है। अब मैं इसमें एक चीज़ दिखा रहा हूँ आपको, एक वर्ड फाइल खोलूँगा और इसमें उसको सेव करूँगा, सेव मैंने सुरक्षित करूँगा। तो चलिए MS Word फाइल खोलने के लिए हम यहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, क्लिक करके यहाँ पर या तो वर्ड लिख देते हैं
या हम यहाँ पर ढूंढते हैं सामने में, देखिए यहाँ पर ये यह वर्ड है, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं तो एमएस वर्ड का एक फाइल खुल जाता है। इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे ऊपर बटन में, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेव एज पर फिर जाएंगे, क्लिक नहीं है करेंगे, बस खाली अभी यहाँ से ला रहे हैं। फिर यहाँ ऊपर में वर्ड डॉक्यूमेंट के पास जाएंगे, यहाँ पर अब जा कर के हम लोग क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद बोलता है, ये जो आ रहा है कह रहा है आप कहाँ पर इसे सेव करना चाहते हैं। तो मैं कह रहा हूँ जो रमेश का फोल्डर बनाया हूँ जो कि डेस्कटॉप पर है, ये देखिए डेस्कटॉप पर है, तो वहाँ जाऊँगा मैं। फिर मैं रमेश को यहाँ देखिए ढूँढूँगा, यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा या तो यहाँ पर ओपन कर दूँगा। तो चलिए यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ पर ओपन कर दूँगा, तो रमेश का कमरा खुल गया है। वहाँ पर वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है इसलिए यहाँ पर ब्लैंक दिखा रहा। तो ये जो डॉक्यूमेंट का नाम है, यहाँ कुछ भी नाम लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं माई फर्स्ट वर्ड फाइल, कुछ भी लिखें, छोटा भी लिख सकते हैं, माई फाइल लिख सकते हैं, आपका जो मर्जी, माई फाइल नंबर वन लिख सकते हैं। यहाँ पर जा कर के सेव पर क्लिक कर दीजिए। अब आपका ये फाइल यहाँ पर ऊपर ध्यान दीजिए, फाइल वन का नाम रख कर के ये रमेश के कमरे में सेव हो गया है। जब भी कोई फाइल में आप काम करें, आपको सबसे पहला ज़रूरत है उस फाइल को खोलें और सबसे पहले उसको अपने कमरे में सुरक्षित करें यानी सेव करें। ये सेव करने का प्रोसेस मैं आपको यहाँ दिखाया साथियों। अब इसको हम यहाँ पर क्लोज़ करने यानी बंद करना चाहते हैं, बंद करके हम फिर चेक करना चाहते हैं यहाँ से कि वो आया यहाँ कि नहीं। फिर हम डबल क्लिक करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर फाइल वन है, वो यहाँ पर मेरा बन चुका है। ये जो इस तरह से दिख रहा है ये इसका आइकॉन है, ये इसको ऐसा इस तरह हम लोग पहचान समझ लीजिए, इसका पहचान है, इस तरह ये दिखेगा। फिर अगर हम इसको खोलना चाहें इस पर काम करने के लिए तो डबल क्लिक करके इसको हम खोल देंगे, देखिए फिर खुलेगा। अब चीज़ पर हम चाहे जो भी कुछ लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, हाँ ये मेरे लिए ऐसा है, ठीक है। उसके बाद में जब भी हम लिखेंगे तो यहाँ सेव सेव दबाते जाएंगे जिससे वो सेव होते जाए। जैसे मैं बंद किया फिर अगर खोला तो देखिए जो मैं काम किया था वो सेव है। तो साथियों ये छोटा सा वीडियो था कैसे हम लोग फोल्डर बनाएं, कैसे हम लोग फाइल को सेव करें और कैसे इधर उधर नेविगेट करें, ठीक है साथियों।